देखो, मैंने कल के लेक्चर में आप सभी को क्या बताया था, हमने डिस्कस किया है कल के लेक्चर में जो टॉपिक वो था ओरल कैविटी के बारे में। ओरल कैविटी में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं आप सबको मालूम चल गया है, कौन कौन सा होता है बताओ मुझे आप। क्या इसमें टीथ प्रेजेंट होता है? ओरल कैविटी में ही टंग प्रेजेंट होता है, इसी में ही यहाँ पर पैलेट प्रेजेंट होता है कि नहीं। एक टॉपिक जो हमने कल डिस्कस किया बकोफेरिंगियल कैविटी, इसमें फेरिंग्स भी आएगा और ओरल कैविटी में जो स्ट्रक्चर बताए हैं पैलेट, टंग या फिर टीथ, ये सब भी आते हैं, ठीक है ना। तो मैंने जो है कल आपको टंग के बारे में बताया था, लास्ट टॉपिक हमारा टंग ही था, टंग के डायग्राम के बारे में बताया था। उस डायग्राम को हम स्टार्टिंग में 2 मिनट रिवाइज करते हैं, उसके बाद जो है उस डायग्राम पे बेस्ड, उस पे आधारित कुछ एक थ्योरेटिकल पॉइंट आपको दिख रहे हैं, आपको ये लिखना है। देखो डायग्राम में मैंने आपको बताया तो पूरे टिथ को हम यहाँ पे टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट में? टू पार्ट्स में। अच्छा, ऊपर वाला जो पार्ट जो कि कम पोर्शन होता है, 1/3 पार्ट होता है, उसे हम फेरिंगियल पार्ट कहते हैं, और नीचे वाले पार्ट को हम ओरल पार्ट कहते हैं। टंग का वो पार्ट जो फेरिंग से कनेक्टेड है फेरिंगियल बोलते हैं, जो ओरल कैविटी से कनेक्टेड है उसे हम क्या कहते हैं? ओरल बोलते हैं। ओरल 2/3 पार्ट है और जो फेरिंगियल है 1/3 पार्ट है। अच्छा, वहां पे मैंने एक टॉन्सिल के बारे में बताया, लिंगुअल टॉन्सिल। लिंगुअल टॉन्सिल कौन से वाले पार्ट में प्रेजेंट है बताओ, ओरल या फेरिंगियल? फेरिंगियल पार्ट में प्रेजेंट है। अच्छा, एक और टॉन्सिल के बारे में मैंने ओरल कैविटी के डायग्राम में आपको बताया कि जो यूवेला है वेलम पैलेटाई, उसके लेटरल साइड में दोनों तरफ क्या प्रेजेंट होता है? पैलेटाइन और फॉसियल टॉन्सिल, जिसमें होने वाले इन्फेक्शन को हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, जिसमें हम कोई भी फूड अगर लेते हैं अंदर तो तकलीफ होती है, प्रॉब्लम होती है, पेन होता है, और उस पेनफुल कंडीशन को टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन लिंगुअल टॉन्सिल तो कहाँ है बताओ? टंग में प्रेजेंट है। और यहाँ पर अगर फेरिंगियल पार्ट की बात करें तो उसके ऊपर लिंगुअल टॉन्सिल है, वन पेयर है कि नहीं। अच्छा, ओरल पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है? हम कहते हैं भाई अगर टंग की बात करें तो टेस्ट बड प्रेजेंट होना चाहिए। टेस्ट बड जो है कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जैसे हम पेपिला या पेपिली बोलते हैं, तो ये जो पेपिली है ना, पेपिली के ऊपर ही क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्ट बड। हर पेपिली का शेप अलग अलग होता है, ठीक है ना। और मैंने जो कल आपको पेपिली बताए हैं उसमें मैंने 3 टाइप्स के पेपिली बताए हैं, सरकम वैलेट है ना, फिली फॉर्म और फंगी फॉर्म पेपेली। तो सरकम वेलेट पेपेली और जो फंगी फॉर्म पेपेली है उसमें टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं, स्वाद कलिकाएं कहते हैं, जिससे हमें अलग अलग टेस्ट का मालूम चलता है। ये जो टंग है उसके हर एक एरिया में है ना अलग अलग टेस्ट का हमें जो है मालूम चलता है, रियलाइज होता है। अब टंग के बारे में ये सारे पॉइंट आपने डिस्कस कर लिया, लेकिन एक बात मुझे बताएं, पेपिली वाला जो पार्ट है ना टेस्ट बड, वो ओरल में है या फेरिंगियल में? आप कहेंगे ओरल में है। ओरल में है ना। अच्छा, और ये मूवेबल स्ट्रक्चर है ना टंग, हर कोई जो है अपने टंग को क्या कर सकता है बताओ? मूव कर सकता है। अच्छा, अब देखिए इसी से रिलेटेड यहाँ पर थ्योरी का पॉइंट है। एक एक करके अपन सारे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, आप ये देख रहे हैं, लिखा है कि फ्रीली मूवेबल मस्क्यूलर फ्लैट ऑर्गन। ये फ्लैट ऑर्गन है भाई, अगर टंग को देखें तो फ्लैट है ना ये। अच्छा, और ये मस्क्यूलर कहने का मतलब क्या है बताइए? क्या हम यहाँ पे इसको ये लिख दे कि ये यहाँ पर पेशीय संरचना है, मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है और फ्लैट ऑर्गन है और स्वतंत्र रूप से घूम सकता है, मूव कर सकता है। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर? फ्रीली मूवेबल होता है, ठीक है यहाँ तक ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि ये है ना ओरल कैविटी के साथ, जो टंग है ना ओरल कैविटी के। अच्छा, कल मैंने एक पॉइंट बताया था, जो टंग है वो फ्लोर पे है या रूफ पर है? ओरल कैविटी के फ्लोर पर है। अच्छा, तो हम कह रहे हैं कि ये जो टंग है ना वो अटैच्ड होता है किसके साथ? फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी के साथ, लेकिन किस स्ट्रक्चर के हेल्प से? उसको हम कहते हैं फ्रेन्यूलम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेन्यूलम क्या है? इस डायग्राम को देखिए आप, है ना, यहाँ पे ये इसका क्या है बताओ? अगर हम कहें ये इसका टंग है, ठीक है ना, तो फ्रेन्यूलम को समझाने के लिए डायग्राम समझना जरूरी है। अगर अपन टंग को ऊपर करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर आता है ना, जिससे ये फ्लोर जो है ना ओरल कैविटी का, उससे टंग कनेक्टेड है। देखिए यहाँ पे कुछ आता है ना, मतलब ये वाला पार्ट, ये यहाँ पर ये जो है ना स्ट्रक्चर, इसे हम क्या बोल रहे हैं बताओ? फ्रेन्यूलम बोल रहे हैं। तो हम कहेंगे कि टंग जो है वो ओरल कैविटी के फ्लोर से, मतलब नीचे वाले पार्ट से अटैच है,
किस स्ट्रक्चर के हेल्प से? आप बोलेंगे फ्रेन्यूलम के हेल्प से, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, अगर फ्रेन्यूलम का लोकेशन देखिए तो आप इजीली अपने टंग को ऊपर करें ऐसे, ये जो स्ट्रक्चर है ना वो क्या है बताओ, फ्रेन्यूलम है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे है पेपिली के बारे में, मैंने कहा कि पेपिली प्रोजेक्शंस होते हैं वो भी फिंगर लाइक, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा है कि पेपिली जो है स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं, प्रोजेक्शंस का मतलब हम कहते हैं उभार, क्या बोलते हैं बताओ, उभार। तो पेपिली यहाँ पे उभार होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, तो लिखा है प्रेजेंट ऑन अपर सरफेस ऑफ सम, अच्छा अपर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, अपर सरफेस भी यहाँ पे ओरल पार्ट ऑफ टंग या फेरिंगियल, हम कहते हैं ये यहाँ पे ओरल जो पार्ट होता है ना टंग का, ओरल पार्ट के अपर सरफेस पे क्या होता है बताइए, प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर बोला है कि जो पेपिली है ना वो क्या रखते हैं, क्या होता है इनमें, लिखा यहाँ पर इनमें टेस्ट बर्ड होता है, ठीक है कि नहीं, कि भाई पेपिली के पास क्या होता है, टेस्ट बर्ड। कल के डायग्राम के बेसिस पे ही हम ये पॉइंट समझ रहे हैं। अच्छा यहाँ पे लिखा है कि जो टंग है ना उसका आगे आगे वाला पार्ट, भाई पीछे वाला पार्ट तो फेरिंग से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, ठीक है ना। आगे आगे वाले पार्ट को ही मूव कर पाते हो, पीछे वाले पार्ट को भी मूव कर लेते हो आगे वाले पार्ट को, तो हम कहते हैं कि अगर हम यहाँ पे अग्रभाग की बात करें, अग्रभाग मतलब एंटीरियर पार्ट, क्या बोलते हैं, एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट जो होता है ना वो यहाँ पे स्वतंत्र रूप से घूम सकता है, मतलब मूव कर सकता है, ठीक है ना, आगे वाला भाग ही मूव करता है। अच्छा ये पॉइंट तो हमने यहाँ भी डिस्कस कर लिया, लेकिन कौन सा पार्ट, एंटीरियर पार्ट। लेकिन जो इसका पोस्टीरियर पार्ट है, अब देखो एक पॉइंट बहुत ही स्पेशल दिया हुआ है, एक बोन के बारे में आपको यहाँ पे पॉइंट प्रोवाइडेड है, इस बोन को हम यहाँ पर बोलते हैं हायोइड बोन, क्या बोलते हैं बताओ। इसके बारे में जब स्केलेटल सिस्टम अलग अलग बोन्स के बारे में पढ़ना होता है वहां पर भी डिस्कस करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, क्या है ये कि टंग जो है ना उसका पोस्टीरियर पार्ट मतलब पीछे वाला जो पार्ट है ना वो एक यू आकृति के, यू शेप के स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हायोइड बोन। अच्छा देखिए ये टंग का ये आगे वाला भाग है, मतलब हम कहते हैं एंटीरियर भाग, जिसे हम मूव कर सकते हैं, बट ये पीछे वाला पार्ट है कि नहीं, पीछे वाला पार्ट जो है ना यहाँ पर देखिए एक बोन आपको दिख रहा है, इस बोन को यहाँ पर क्या बोला गया है, हायोइड बोन। इसका नंबर हम कहते हैं इसका नंबर केवल एक है, हायोइड बोन कितने होते हैं, एक होते हैं। एक और बात आपको ध्यान रखना है भाई, पूरे एंटायर बॉडी में पाए जाने वाले बोन्स जो होते हैं ना, दूसरे बोन हायोइड बोन के अलावा, वो किसी दूसरे बोन के साथ है ना आर्टिक्यूलेट हो जाते हैं, संधि कल जुड़े हुए होते हैं, है ना। कोई भी बोन है, यहाँ बोन है, ये आपस में कनेक्टेड है भाई, ज्वाइंटेड है, लेकिन पूरे बॉडी में पाया जाने वाला एकमात्र एक सिंगल हायोइड बोन ही होता है जो किसी भी दूसरे बोन के साथ आर्टिकुलेशन को शो नहीं करता है, मतलब संधि नहीं करता है। तो हम क्या लिख लें कि हायोइड बोन जो है ना क्या नहीं करता बताओ, हम कह रहे आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेशन जो है वो नहीं करता किसके साथ, हम कहते हैं आर्टिकुलेशन विथ अदर बोन, विथ अदर बोन कहने का मतलब क्या है, दूसरे बोन के साथ क्या ये करेगा आर्टिकुलेशन, नहीं करेगा। तो मतलब ये अकेला सिंगल अपना बादशाह होता है, राजा है, किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं होता है, कहने की बात ये है। नंबर आ जाए तो क्या बोलेंगे बताओ, वन। अच्छा तो पोस्टीरियर पार्ट या एंटीरियर पार्ट, पीछे वाला भाग, मतलब पोस्टीरियर को क्या बोलते हैं भाई, पश्च भाग बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। क्या ये सारे पॉइंट आप समझ पा रहे हैं, बिल्कुल ईजी है। अच्छा देखो एक बार और डिस्कस करते हैं, फ्रेन्यूलम क्या है, कि भाई टंग जो है ना, टंग है ना ओरल कैविटी के फ्लोर से जिस स्ट्रक्चर से अटैच है, जुड़ा हुआ है, उसे हम फ्रेन्यूलम बोल रहे हैं। अच्छा तो ये मस्क्यूलर है कि नहीं, मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूवेबल पार्ट है। अच्छा साथ साथ हम कह रहे हैं फ्लैट ऑर्गन है, और क्या है बताओ, हम कह रहे हैं टेस्ट बर्ड कहाँ होता है, हम कह रहे हैं यहाँ पे कि जो ओरल पार्ट होता है ना, ओरल पार्ट उसके ऊपरी सरफेस पे, ऊपरी सतह पर क्या प्रेजेंट होता है, पेपेली, और पेपेली ही क्या रखते हैं बताओ, टेस्ट बर्ड रखते हैं। बाकी सारे पॉइंट आपको समझ में आ ही रहा है, कल आपने डायग्राम देख लिया, फटाफट जो है आप इसे लिखें और ऑनलाइन वाले इसका स्क्रीनशॉट लें। अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं बताओ, हमने टंग पढ़ लिया, हमने जो है यहाँ पे ओरल कैविटी में पैलेट पढ़ लिया, हमने फेरिंग्स पढ़ लिया, अब हम बस एक एक ही टॉपिक बचा हुआ है, टीथ।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन आता है यहाँ पे टिथ जो है, अब तक जो हमने पढ़ा ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब टिथ है यहाँ पर, ठीक है ये ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि हमें, हाँ टिथ को दांत बोलते हैं, आपने सही बोला, मैं बोल रहा हूँ टिथ तो ये कह रहा, हाँ दांत, हाँ बिल्कुल सही बात है, दांत की बात कर रहे हैं। देखिए अगर हम टिथ की बात करें इसमें क्या क्या पढ़ना है मैं आपको ये समझा देता हूँ। पहले हम बात करेंगे, चूंकि हम ह्यूमन फिजियो पढ़ रहे हैं, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट वो ह्यूमन के रिगार्डिंग है, मानव के संदर्भ में है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन में पाए जाने वाले टिथ किस किस टाइप के होते हैं। फिर मैं आपको समझाऊंगा टिथ का स्ट्रक्चर क्या है, टिथ का स्ट्रक्चर। फिर मैं आपको बताऊंगा कि टिथ जो है ना उसको हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, मतलब दांत का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। और एक लास्ट टॉपिक होगा, टिथ में हम पढ़ते हैं डेंटल फॉर्मूला, हिंदी में बोलते हैं दंत सूत्र, है ना, सूत्र नहीं सूत्र, मतलब डेंटल फॉर्मूला, ठीक है ये हम पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए ये तो हो ही गया है, सीधे अब अपन नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। और ये है यहाँ पर टिथ, देखो इसको ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो भी पॉइंट है उसको आप ध्यान से समझे आप सभी। देखिए लिखा है टिथ, सबसे पहली बात इसका जो ओरिजिन है ना, टिथ का ओरिजिन वो कैसा है, एक्टोमीजोडर्मल, कैसा है बताइए, एक्टोमीजोडर्मल। अच्छा मतलब एक्टोडर्म से भी होना है, मीजोडर्म से भी होना है, दोनों ही तरह के जर्म लेयर से टिथ का फॉर्मेशन होना है। तो ओरिजिन को हम यहाँ पे हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ, उत्पत्ति। तो उत्पत्ति के आधार पर तो एक्टो भी है और मीजोडर्मल भी है, एक्टोमीजोडर्मल की टर्म याद रखेंगे। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट भाई, टिथ हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा पॉइंट अपन ऐड करते हैं कि टिथ जो है ना, टिथ उसके स्टडी को क्या बोलते हैं, टिथ के स्टडी को हम कहते हैं ओडोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं बताएं मुझे आप, टिथ के स्टडी को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। तो ये जो ओडोंटो टर्म है ना वो हमेशा किसको दर्शाता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, टिथ को। अच्छा एक सेल के बारे में भी क्वेश्चन आपको शीट में मिलता है, इस सेल को हम कहते हैं ओडोंटोब्लास्ट, भाई इंपोर्टेंट है ओडोंटोब्लास्ट, है ना। अब आपको याद हो तो मैंने शायद बताया हुआ है पहले कि किसी भी सेल में सफिक्स में थ्री वर्ड लगते हैं, साइट जो प्रेजेंट सेल है, ब्लास्ट जो बनाने वाले सेल है, और क्लास्ट जो ब्रेक करने वाले तोड़ने वाले सेल है कि नहीं। अच्छा अब देखो अगर हम यहाँ पे जो है ओडोंटोब्लास्ट की बात करते हैं तो ये टिथ को फॉर्म करने वाले, मतलब दांत का निर्माण करने वाली कोशिका है, सेल है, तो हम कहते हैं ये क्या होते हैं, टिथ फॉर्मिंग सेल। क्या बोला इसको बताएं मुझे आप, टिथ फॉर्मिंग सेल बोला है, मतलब हम कहेंगे ये यहाँ पर दांत जो है ना उसका निर्माण करने वाली क्या है बताओ मुझे आप, कोशिका है, दांत का निर्माण करने वाली कोशिका टिथ फॉर्मिंग सेल। तो आप ये दो टर्म हमेशा याद रखेंगे, ओडोंटोब्लास्ट सेल है, ओडोंटोलॉजी जो है यहाँ पे बायोलॉजी का वो ब्रांच है, साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं टिथ के बारे में, ठीक है यहाँ तक। अच्छा अब देखो लिखा है बेसिक फीचर ऑफ टिथ, टिथ में कौन कौन से फीचर या गुणधर्म पाए जाते हैं, और यहाँ पर ये जो टिथ की बात कर रहा है ना वो किसके रेस्पेक्ट में कर रहा है बताओ मुझे आप, ह्यूमन के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा देखो क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है ह्यूमन के रेस्पेक्ट में, देखिए फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कि ह्यूमन का जो टिथ है वो कैसा होता है, लिखा है ह्यूमन का टिथ थिकोडोंट होता है, ये एनसीईआरटी की बात है पूरा। देखो ह्यूमन का टिथ क्या है, थिकोडोंट, ह्यूमन का टिथ क्या है, डायफायोडोंट, ह्यूमन का टिथ कैसा होता है, हेटेरोडोंट। मैंने अभी कहा कि एक टॉपिक पढ़ना है टिथ का क्लासिफिकेशन, उसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा आखिर ये है क्या, लेकिन हम यहाँ पे केवल ह्यूमन की बात कर रहे हैं। थीकोडोंट का मतलब क्या है, पहले हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं गर्त दंती, ठीक है ना। अब देखो थीकोडोंट का मतलब ये होता है कि अगर टिथ जो है ना, टिथ अगर बॉनी सॉकेट में, जबड़े में बहुत ही मजबूती के साथ टाइटली स्ट्रॉन्गली जुड़ा हुआ होता है, अटैच होता है, तो इस तरह के टिथ को हम क्या कहते हैं, थीकोडोंट। तो लिखा है एम्बेडेड इन द बॉनी सॉकेट, एम्बेडेड मतलब क्या होता है, धसे हुए होते हैं, कैसे होते हैं बताओ, धसे होते हैं, अगर टिथ जो है ना धसे हुए हैं किसके अंदर बताओ, बॉनी सॉकेट में। अच्छा तो यहाँ पे ह्यूमन का टिथ जो है ना वो बॉनी सॉकेट में धसा होता है, इसीलिए उसका टिथ कैसा, थीकोडोंट, ठीक है। अच्छा अब देखो हम कहते हैं डायफायोडोंट,
अगर पूरे लाइफ टाइम में किसी भी ऑर्गेनिज्म में टिप जो है वन टाइम आता है तो हम कहते हैं मोनोफायोडोंट, एक बार धरती। पूरे लाइफ टाइम में टू टाइम आता है तो डाइफायोडोंट। हम कहते हैं ह्यूमन में टिप जो है कितनी बार आता है तो क्या बोलेंगे, डाइफायोडोंट। लिखा है इसमें यहाँ पर टू सेट ऑफ टिप जो है आते हैं पूरे जीवन काल में, थ्रू आउट द लाइफ टू सेट बोला है। अच्छा ये टू सेट्स कौन कौन से हैं? तो देखो पहले पहले बार जो टिथ आता है ना उसे हम कहते हैं मिल्की टिथ। मिल्की टिथ को कहते हैं डेसिडुअस टिथ। डेसिडुअस का मतलब होता है भाई गिरने वाले, जो गिर जाते हैं टूट करके, ठीक है ना। दूध के दांत अभी भी है क्या आपके, बताओ? टूट गए है ना, हाँ ठीक है। देखो मिल्की टिथ और क्या है बताओ, डेसिडुअस। डेसिडुअस का मतलब जो टूट के गिर गए हैं, गिरने वाले। अच्छा टेम्पररी मतलब स्थायी या अस्थायी? अस्थायी। तो ये पहले बार जो सेट आते हैं उस सेट में आने वाले टिथ को क्या बोलते हैं, मिल्की, डेसिडुअस या क्या बोला, टेम्पररी। लेकिन ये टिथ जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं, मतलब इसकी जगह है ना अब क्या आ जाता है बताओ, सेकेंड टाइम जो आएगा परमानेंट टिथ आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं बताओ, स्थाई बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे भाई हिंदी में, अस्थाई बोलेंगे। बहुत ही इंपोर्टेंट बात है कि ह्यूमन में टिथ टू टाइम आता है पूरे जीवन काल में, लाइफ टाइम में। ह्यूमन डाइफायोडोंट टाइप का होता है, टू सेट आता है, पहले मिल्की टिथ आते हैं, दूध के दांत आते हैं जो पता नहीं कैसे लेकिन टूट कर गिर जाते हैं ना, और उसकी जगह कौन आ जाता है बताओ, परमानेंट टिथ आ जाता है, ठीक है ना। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, दांत टूट गए बताओ। अब देखिए यहाँ पे हेटेरोडोंट की बात कर रहे हैं। हेटेरोडोंट को हिंदी में क्या कहते हैं, बिल्कुल इसे हम क्या बोलते हैं, विषमदंती। दांत टूटने का अफसोस हो रहा है क्या, वापस आए ना। विषमदंती की बात कर रहे हैं हेटेरो। हेटेरो जहां जहां, वहां वहां मतलब अलग अलग, जहां पे होमो उसका मतलब सेम, ठीक है। तो हम कहते हैं ये हेटेरोडोंट होता है ह्यूमन, क्या है बताओ, हेटेरोडोंट। क्यों, ये हेटेरोडोंट और होमोडोंट एक्चुअली में टिथ के शेप के बेसिस पर डिसाइड करते हैं। अगर टिथ की शेप सभी तरह के दांत एक जैसे होते हैं ना तो हम कहते हैं होमोडोंट, ठीक है ना। लेकिन ह्यूमन में तो अलग अलग होते हैं, है ना। कुछ दांत जो है ऐसे होता है, कुछ दांत ऐसे होता है, कुछ दांत ऐसे होता है, अलग अलग टिथ होते हैं, ठीक है ना। कुछ दांत ऐसे होते हैं, सभी के शेप अलग अलग है, डिफरेंट टाइप्स के टिथ प्रेजेंट होते हैं। एक डायग्राम भी हम डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी का डायग्राम दिया हुआ है। तो ह्यूमन का टिथ जो है वो हेटेरोडोंट होता है, और ह्यूमन कैसा है बताओ, विषमदंती प्रकार का प्राणी है। समझ में आ गया, थीकोडोंट, डाइफायोडोंट और हेटेरोडोंट, ठीक है। पहले आप फटाफट ये लिखें। ओके, हमने जो है टिथ के बारे में कुछ एक थियोरेटिकल पॉइंट अभी देखा कि ह्यूमन का टिथ कैसा और किस टाइप का होता है। देखिए एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है, और ये डायग्राम जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें हमें समझना क्या है वो हम देखते हैं। देखिए अभी मैंने आपको ये पॉइंट प्रोवाइड किया कि ह्यूमन जो है ना वो उसके टिथ हेटेरोडोंट है, मतलब ह्यूमन क्या है बताओ, हेटेरोडोंट है, मतलब हर टिथ का शेप क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन हम कह रहे हैं ह्यूमन हेटेरोडोंट है, ठीक है ना। यहाँ पर हम पहले समझते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट। ह्यूमन जो है वो हेटेरोडोंट है, लेकिन इसमें कौन कौन से टिथ प्रेजेंट होते हैं? आप कहेंगे इसमें यहाँ पर फोर टाइप्स के टिथ प्रेजेंट होते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आई सी पी एम और एम से रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है ना। आई से क्या होता है, तो देखो ये जो आई है ना, आई क्या लिखा है यहाँ पे, इंसाइजर्स होता है ना, इसे हमने शॉर्ट फॉर्म में आई से रिप्रेजेंट किया। सी से क्या है, केनाइंस है, हिंदी में याद नहीं करना है ना, कोशिश भी मत करना। देखो यहाँ पे प्रीमोलर्स पीएम हो गया है ना, और एम से क्या है बताइए, मोलर्स है। तो देखो यहाँ लिखा है कि एडल्ट की बात हो रही है, मतलब आप लोगों की बात हो रही है ना, एडल्ट की बात हो रही है। एडल्ट ह्यूमन के पास कितने टिथ होते हैं, 32 है ना, इसे कहते हैं ना 32 ही दिखाओ। 32 जो है वो परमानेंट क्या होते हैं बताओ, टिथ होते हैं। और ये कितने टाइप्स के होते हैं बताओ, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आई सी पी एम और एम। अच्छा तो I for incisor, C for canine, PM for premolars, M for molars। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब यहाँ पे देखिए इस अजीबोगरीब जो दांत है ना ये दिया हुआ है, ये देखो ये है ना, स्टार्टिंग में ये जो टीथ है ना ये कैसे दिया हुआ है, ये टीथ है ना ऐसे
बाहर से अंदर की तरफ डायग्राम दे रखा है, मतलब हम कहेंगे जो सबसे बाहर बाहर जो आप दिखाते हैं, ठीक है ना, वो क्या है बताओ? इंसाइजर। क्या है? इंसाइजर, मतलब ये वाले टीथ हमने कहा ये इंसाइजर है, ठीक है ना। ये टीथ क्या है बताओ मुझे आप? केनाइंस। इंसाइजर हो गया, केनाइंस हो गया। अच्छा उसके बाद क्या है बताओ? ये दोनों यहाँ पे प्रीमोलर्स दिया हुआ है और लास्ट में क्या दे रखा है बताओ? मोलर्स दिया है। अच्छा अगर हम इसके नंबर की बात करें, लेकिन ये तो बताओ एक फर्स्ट हाफ ही है ना, फर्स्ट हाफ मतलब ये पूरा तो ऐसा ही टीथ ऐसे इधर भी पाए जाएंगे, यहाँ पर भी प्रेजेंट है। अभी आपने एक पॉइंट देखा था कि टीथ कहाँ होते हैं? बोनी सॉकेट में, जबड़े में होते हैं। तो यहाँ लिखा है सॉकेट ऑफ जॉ, इसी स्पेस में क्या पाए जा रहे हैं बताओ? टीथ। मैं तो कहूंगा ये धसे होते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं बताओ? सॉकेट में धसे होते हैं, इसीलिए थिकोडोंट बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा देखिए अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर में क्या बोलेंगे? इंसाइजर बताओ कितने दिख रहे हैं? एक और दो, कितने? इस डायग्राम में अगर हम एक यहाँ पे सिंगल हाफ की बात करते हैं, एक तरफ वाले भाग की बात करते हैं, टू है कि नहीं? के नाइन कितने हैं बताओ? वन। प्री मोलर कितने हैं यहाँ पे? यहाँ पे और इसको बता रखा है टू वन टू, और मोलर्स कितने बताए हुए बताओ? थ्री। तो ये जो पॉइंट है ना, ये डेंटल फॉर्मूला में भी हमें पढ़ना होता है। डेंटल फॉर्मूला भी हम यहीं पर ही डिस्कस कर लेंगे। अभी एडल्ट में कितने टीथ बताए मैंने बताओ? 32। तो अगर हम यहाँ पे बच्चों किसकी बात करते हैं? एडीएफ की बात करते हैं। एडीएफ मतलब क्या होता है? हम कहते हैं एडल्ट, डी का मतलब हम कहते हैं डेंटल, एफ का मतलब हम कहते हैं फॉर्मूला। तो अगर हम यहाँ पे एडल्ट में डेंटल फॉर्मूला की बात करते हैं तो देखो क्या होता है, ध्यान देना। इसका फॉर्मूला एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, बहुत बार आया हुआ है पीएमटी में। हम कहेंगे 2123 अपॉन 2123 इनटू 2। अच्छा अब मैं आपको बता दूं आखिर ये है क्या, इसका मतलब क्या है, अब समझाता हूं। ये है यहाँ पे फॉर्मूला, लेकिन किसका बताइए मुझे आप? एडल्ट, वयस्क व्यक्ति के दांत का फॉर्मूला है, दंत सूत्र है। अच्छा बताओ ये 2123 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हम कहते हैं ये आई को, ये सी को, ये पी को, ये एम को रिप्रेजेंट करता है, आई सी पी एम। लेकिन देखिए ये तो केवल हमने कहा सपोज ये नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है उसमें भी आधा भाग दिया हुआ है। अच्छा ऐसा ही हम कह रहे हैं नीचे है उसमें आधा वाला भाग है, ऐसा ही क्या होगा बताओ? ऊपर भी होगा। तो हम सपोज यहाँ पे कह रहे हैं ये यहाँ पे कौन से जो का है? हमने कहा ये अपर जो का है, जो मतलब जबड़े, ठीक है ना। और ये किसका है बताओ? ये लोअर जो का है। लेकिन हम देखो यहाँ पे 2123 तो केवल एक भाग की बात करते हैं, अपर भी और लोअर भी। अपर में भी इस एक भाग में सिंगल हाफ में क्या है 2123 के फॉर्म में? इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर है। लेकिन यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई क्यों किया गया है बताओ? क्योंकि एक हाफ ये, एक हाफ ये भी तो होगा कि नहीं? अच्छा तो टू से क्या कर दिया बताओ? मल्टीप्लाई। सोल्व करते हैं क्या 32 हो पाता है? अभी हो जाएगा, देखो कैसे। देखें यहाँ पे इसको आपस में ऐड करो 213 5 और 3 कितने हो गए? 8 हो गए यहाँ पे ऊपर, ठीक है। नीचे भी क्या होगी बताओ? 8 हो गए। मल्टीप्लाई किससे करना है? 2 से करना है। अच्छा तो 8 से 8 को मैं कैंसिल कर दूं क्या? नहीं, 8 टू जा बताओ 16। अच्छा तो अपर वाले जो में 16 है। अच्छा तो बताओ 8 टू जा 16, नीचे भी लोअर जो में भी क्या है बताओ? 16। अपर जो में भी क्या है बताओ? 16। ऐसे नहीं करना है कि 16 से 16 कैंसिल फिर कितने बचे? 1। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमें ऐड करना है कि 16 ऊपर 16 नीचे कितने हो गए तीन बताओ? यहां पर भी क्या है और हम दिखाते भी क्या है? 32 ही दिखाते हैं। क्लियर है ना ये पॉइंट? अच्छा ये देखो, ये तो यहाँ पे एडल्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एडल्ट। अब यहाँ पे बच्चों की बात कर रहे हैं, ये तो आपकी बात हुई थी, अब मेरी बात करते हैं। एडल्ट की बात हो चुकी है ना, लेकिन अब यहाँ पे हम अगर बच्चों की बात करें, है ना, तो देखिए यहाँ पे बच्चों के मतलब अगर हम यहाँ पे किसकी बात करें बताओ? चाइल्ड, डेंटल, है ना, डेंटल फॉर्मूला। चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला क्या है? अच्छा तो हम कहते हैं 2102 अपॉन 2102 इनटू 2। अच्छा देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए,
ये यहां पर क्या हम ये लिख सकते हैं क्या? ध्यान से देखना, कंपेयर करेंगे। बताओ, ये आई, ये सी, ये पी, ये एम, अपर जो में ऐसा और लोअर जो में यही, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू से। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो बताओ, एडल्ट में और चाइल्ड में कौन कौन से टीथ का डिफरेंस है, बताइए। हमने कहा यहाँ पे देखो, आई इंसिजर तो यहाँ पे दो है, तो यहाँ पर भी दो है ना, अपर जो में है ना, सिंगल हाफ में। यहाँ पे सी कितना है बताओ, वन, तो यहाँ पर भी वन है। लेकिन देखिए यहाँ पर ये जो पी है ना प्रीमोलर, यहाँ पे टू है ना। अच्छा, यहाँ पर तो है ही नहीं, तो डिफरेंस तो यहीं पे आ गया। अच्छा, यहाँ पर थ्री है मोलर, यहाँ पर क्या है बताओ, टू है, तो डिफरेंस किसका आया, वन का, वन मोलर का, और यहाँ पे टू प्री मोलर का आया है। अगर हम एक सिंगल हाफ की बात करते हैं तो अगर यहाँ पे टोटल काउंट करें कितना होगा, देखो 2 1 3 3 2 5, 5/5 × 2, बताओ 10 10/10, कितने आए बताओ, 20 टीथ आया कि नहीं आया। अच्छा, अब देखो, मैंने अभी आपको समझाया था कि किसी ऑर्गेनिज्म में अगर टीथ जो है ना एक बार आता है पूरे लाइफ टाइम में, क्या बोलते हैं, मोनोफायोडोन, दो बार आता है डायफायोडोन। अब बताओ मुझे, हमने तो अभी पढ़ा कि ह्यूमन कैसा है, डायफायोडोन, लेकिन अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या सभी तरह के टीथ दो बार आते हैं क्या, बताओ। यहां देखिए, यहां पे जब हम बच्चे होंगे तो हमारे अंदर ये टीथ थे ही नहीं, कौन कौन से बताओ, प्रीमोलर और एक सिंगल मोलर, सिंगल हाफ में बात करें तो, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं ह्यूमन है तो डायफायोडोन, लेकिन क्वेश्चन क्या आता है अब कि ह्यूमन में मोनोफायोडोन टाइप के टीथ कितने पाए जाते हैं, ह्यूमन में मोनोफायोडोन टाइप के टीथ कितने पाए जाते हैं। बच्चे पहले सोचते हैं यार ह्यूमन तो क्या है बताओ, डायफायोडोन, नहीं, सारे टीथ दो बार नहीं आते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो पूरे लाइफ में ह्यूमन में एक सिंगल टाइम आता है, मतलब वो टूटता नहीं है, ठीक है ना। ओके, अब देखिए, अब हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे, कंपेयर करते हैं, कंपेयर कैसे करना है। देखिए, मैंने पूछा आपसे अभी क्वेश्चन कि ह्यूमन में कितने टीथ मोनोफायोडोन टाइप के हैं, कैसे कैसे फाइंड करेंगे, आप मुझे इसका आंसर दो, फटाफट इसका आंसर दीजिए, हाँ बताइए इसका आंसर, मैं टाइम देख रहा हूँ, हाँ बताओ, 12 आएंगे, कैसे आएंगे इसको एक्सप्लेन भी करो, कंपेयर करते हैं, देखो कंपेयर करते हैं, बताओ डिफरेंस, ऊपर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0, 2 का डिफरेंस ही आ गया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, 1 का आ गया, ऊपर कितने का डिफरेंस बताओ, 3 का, नीचे भी 3 का, मल्टीप्लाई करना है 2 से, 3 2 6, ऊपर 6 और नीचे भी 6, 6 और 6 से 12 टाइप के जो टीथ होते हैं ह्यूमन में वो कैसे होते हैं बताओ, मोनोफायोडोन टाइप के होते हैं। इस पॉइंट को लिख लिए क्या? देखो, ह्यूमन में अगर हम यहाँ पर किसकी बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन में मोनोफायोडोन टाइप के टीथ कितने हैं भाई, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा सीट के अंदर, कितने, 12 होते हैं, 12 होते हैं, क्लियर है ना अब। अच्छा, और देखो, इतना ही नहीं, यहाँ पे और एक पॉइंट डिस्कस किया हुआ है, इन सभी टीथ के वर्क लिखे गए हैं, है ना, इंसाइजर का क्या काम है ना, प्रीमोलर का क्या काम होता है, केनाइंस क्या होते हैं, इन सब के बारे में दिया हुआ है, समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पर यहाँ लिखा है कि यहाँ पे जो है कॉम्प्लेक्स पॉइंट लिखा हुआ है, आप बस इतना ध्यान रखें कि अगर हम इंसाइजर की बात करते हैं, इंसाइजर का काम है कटिंग करना, क्या करना बताओ, कटिंग, है ना, फूड के जो पार्ट होते हैं उसको कट करना, इंसाइजर जहां जहां, कटिंग वहां वहां, ठीक है। अच्छा, तो हम कहते हैं केनाइंस का काम क्या है, हम कहते हैं टीयरिंग करना, टीयर को क्या कहते हैं, फाड़ना। अच्छा, ये कहा जाता है, आपने कल कार्निवोर्स, अरे क्या हम केवल काटते हैं क्या, हम टीयर भी कर सकते हैं फूड पार्टिकल को, है ना, ऐसे रोटी लिया और ऐसे कर दिया। अच्छा देखो, टीयरिंग किसका वर्क है, इंसाइजर का या केनाइन का, केनाइन का। कल मैंने आपको बताया था कार्निवोर्स के बारे में, कार्निवोर्स वो होते हैं जो फ्लैश को ईट करते हैं, मांसाहारी, ठीक है ना। अब मुझे बताएं आप, हम ये कहते हैं कि केनाइंस सबसे ज्यादा डेवलप विकसित होते हैं किसके अंदर, हम कहते हैं कार्निवोर्स।
क्योंकि उनको फ्लैश और मीट को क्या करना होता है, टियर करना होता है, फाटना होता है, ठीक है ना। कटिंग इंसाइजर का वर्क हो गया है ना, टियरिंग कैनाइंस का हो गया, मोलर और प्री मोलर दोनों का ही काम क्या है, हम कहते हैं हाँ च्यूइंग करना, चबाना, या फिर हम कहते हैं पीसना, ग्राइंडिंग करना, ठीक है ना। तो ये चार, बस यहाँ पे चार टर्म लिख देता हूँ, इसके पीछे मत रहिए, बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको। वैसे लिखा है यहाँ पे देखो, टियरिंग लिखा है ना, मतलब ये यहाँ पे किसकी बात हो रही है बताओ, हम यहाँ पे कैनाइंस की बात कर रहे हैं। च्यूइंग यहाँ पे किसकी बात हो रही है, प्री मोलर और मोलर की बात हो रही है। और जो कटिंग होता है ना, कटिंग इसका मतलब ये, इसका मतलब यहाँ पे कटिंग ही है। हमने कहा यहाँ पर ये जो है ना लिखा हुआ है, ये गॉनिंग लिखा हुआ है ना, ये इसका मतलब क्या है बताओ, कटिंग। और ये किसका होगा बताओ मुझे आप, इंसाइजर, इंसाइजर का कटिंग होता है। टियरिंग किसका होता है, केनाइन का। च्यूइंग और मेस्टिकेशन किसका होता है, या फिर हम कहते हैं ग्राइंडिंग किसका होता है, प्री मोलर और मोलर का। बताओ केनाइंस टाइप के टीथ किसमें ज्यादा डेवलप होंगे, कार्निवोर्स में होंगे कि नहीं, हम कहेंगे किसमें होते हैं, हम कहते हैं यहाँ पर ये कार्निवोर्स में केनाइन क्या होता है बताओ, ज्यादा डेवलप होता है, ज्यादा विकसित है, मोर डेवलप्ड, ठीक है। फटाफट अब आप समझ चुके हैं, लिख लीजिए।